शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। भाई हरकत में ही बरकत है। आप मेरी छोड़िए और पूना की सुनाइए। पूना की क्या बताएं? दो हफ्तों से सेटिंग कर रहा था श्रद्धा जी की, साली हाथ ही नहीं आती थी, पर पिछले साल कैसे नासिक में दौड़ कर चली आई थी कमरे में। पिछले साल जब प्रचार के लिए नागपुर गए थे याद है, आरती जी के साथ भी हमारा कुछ ऐसा ही किस्सा था। पर त्यागी जी, तभी तो हम डाक में रहते कि कब प्रचार में जाने का मौका मिले। नहीं नहीं, बैठिए 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 ना। क्या रे त्यागी, क्या बोल रहा था तू? बहुत मजा आता है प्रचार पे जाने का। अरे बिस्तर में कितना बड़ा 30 मार खा है ना तू, ये सब किसे सुन चुकी हूँ मैं तेरे। और मिश्रा, प्रचार पे जाने के मौके ढूंढते हैं आप। आपको पता है जब आप प्रचार पर होते हैं तो यहाँ आपकी औरत किसके साथ सोती है बताओ? आज के बाद तुम में से किसी ने इस पार्टी की कोई भी लड़की के लिए कुछ कहा ना, तो ऐसा हश्र करूंगी कि मर्द होने का एहसास भूल जाओगे तुम लोग। कांग्रेचुलेशन चवन भाई, कमाल है, आपकी बहू तो इलेक्शन से जीत गई है जी। ये भी यशवंत भाई की छत्र छाया में कोई भी खड़ा हो जावे ना, इलेक्शन जीतवा नहीं है। देखिए नितेश भाई, इलेक्शन भले ही मेरी बहू ने जीता हो, लेकिन ये सारा खेल तो विवेक का ही था। अरे भाई चलिए, यात्रा की तैयारी हो चुकी है, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए चलिए चलो 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 तो विवेक खुश हो ना तुम, तुम्हारी बीवी इलेक्शन जीत गई। हाँ उसे तो जीतना ही था। पर अफसोस इस बात का है कि हम लोग सत्ता में नहीं आ सके। हाँ। प्रशांत कुलकर्णी ने छोटी मोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बना ली। हाँ। मैं भी देखता हूँ ये कुलकर्णी की सरकार कितने दिन चलती है, एक बार मुझे बाहर तो निकलने दो। क्यों? अरे इरवान मेरे बिल का क्या हो गया? हा? अरे वो जो विटनेसेस है उनको खरीद लो यार। और वो क्या इंस्पेक्टर का नाम? पवार। पवार, पवार का कुछ बंदोबस्त करो। चिंता मत करो, हो जाएगा। चिंता मत करो, पियोगे? नहीं। यार सर। अरे हाँ पवार, एक जोक सुनो यार। कहता है दुनिया में आए हो तो कर जाओ कोई ऐसा काम, गली गली से आवाज आए अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान। और क्या हो रहा है सर? वो खार में मर्डर हुआ था, उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है सर। और सर वो विवेक चौहान की जो वो केस को हैंडल नहीं कर रहे हो, उसका चार्ज वागले को दे दो। क्यों सर? वागले को क्यों दे दे सर? क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है। हाँ, तुम्हारा ट्रांसफर कांदीवली जोन में हो चुका है। लेकिन सर। यसन, अपने सीनियर्स के ऑर्डर सुनना, तुम्हारी ड्यूटी का एक हिस्सा है। ओके? जी सर। और सुनो, मेरी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के ये कुछ इनविटेशन कार्ड्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस और वीआईपीज के लिए, जरा बांट दे। Thank you.
ठीक है। पवार, तुम वही इंस्पेक्टर हो ना जो मेरे पति यानी कि विवेक का केस हैंडल कर रहा है? केस हैंडल करता था मैडम, अब वो केस कोई और ऑफिसर हैंडल कर रहा है। क्यों? वो तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए मैडम, पैसे की ताकत और नेताओं के डर की वजह से इस सिस्टम में कुछ भी हो सकता है मैडम, कुछ भी। आपके पतिदेव तो कुछ ही दिनों में छूट जाएंगे मैडम, हो सकता है मुझे उन्हें सैल्यूट भी करना पड़े। आप लोग नेता जो ठहरे, सिस्टम मैडम, सिस्टम। अब मेरी पांचवी ट्रांसफर के बाद मैं रात भर नाकाबंदी करूं या अपने सीनियर की शादी के सालगिरह के कार्ड बांटता फिरूं, किसी को क्या फर्क पड़ता है मैडम? चलता हूं मैडम, जय हिंद। हाँ, पार्टी में जरूर आना। आइए आइए। RTS कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन भाभी। अनुराधा चौहान। नमस्कार। DCP प्रसाद। और माय वाइफ रूबी प्रसाद। प्लीज जॉइन द पार्टी। या हाय। या ओह हाय। हाय पद्मा। आई एम फाइन। हाय शैना। आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। क्या बात है, आजकल दिखाई नहीं देते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मीट अनुराधा चौहान। हाय। शी इज शहनाज टोपी वाला, हर्बल कॉस्मेटिक क्वीन, ऑफ कोर्स यू नो हर। और आप हैं पद्मलक्ष्मी जी, अ वेरी डायनामिक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट। जानवरों के उद्धार के लिए इन्होंने बहुत काम किया। दैट्स गुड। कम ऑन यशवंत, एक्चुअली जानवर भी हम इंसान की तरह ही होते हैं, हमें भी उनसे प्यार करना चाहिए। ऑफ कोर्स। यशवंत भाई। ओह हाय वासवानी जी। यशवंत भाई द अप एंड कमिंग कैबिनेट मिनिस्टर। मीट अनुराधा चौहान, वासवानी, फिल्म सेक्रेटरी है। सर मैं आपको सुपरस्टार से मिलवाता हूँ। आइए आइए, कम कम। आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू, यू सी ही इज द न्यू सुपरस्टार गुड्डू खान। सुपरस्टार। ओके। और गुड्डू जी ये हैं यशवंत वर्दे, चार्मिंग एमपी एंड सून टू बी कैबिनेट मिनिस्टर। यू नो आजकल गुड्डू जी एक फिल्म का 1 करोड़ रुपए ले रहे हैं। अच्छा। और 3 बहुत बड़े बैनरों की पिक्चर साइन कर चुके हैं। गुड, कांग्रेचुलेशंस। यू नो समथिंग, आई मस्ट टेल यू, 5 पिक्चरें रिजेक्ट कर चुके हैं अब तक। लेकिन मैंने इनकी कोई पिक्चर देखी नहीं इससे पहले। नहीं, वेल दैट्स बॉलीवुड। यशवंत जी एक मिनट, और लोगों से मिलवाता हूँ। हाँ जी, नमस्कार। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। आइए आइए गुड्डू जी, एक नया प्रपोजल बनाते हैं। आइए आइए। टेरिफिक। ये है प्रहलाद किशन, बहुत बड़े एडमेकर। हाय। हेलो। मीट अनुराधा चौहान। नमस्ते। वाओ, व्हाट ए फेस। आपने कभी मॉडलिंग किया है? जी। प्रहलाद जी ये MLA है। तो क्या हुआ, रोनाल्ड रीगन भी तो पहले एक्टर ही थे। और आजकल एक्टर तो पॉलिटिशियन बन ही जाते हैं। And in fact, glamour and politics go hand in hand. Both are show business. Yeah, very well said, Mr. Prasad. Very well said. See you sometime. Yeah. Yashwant, chale? Yeah. Okay, bye-bye. Prasad ji. Wow. What a beauty. Iska future bada bright hai. Isse koi nahi rok sakta. Are? क्या अजीब वो गरीब लोग थे, व्हाट फनी पीपल। अच्छा वो तो मुझे अपने घर ले आए, वरना वहां हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो जाता। और वो प्रदीप किशन, ही सच अ फनी कैरेक्टर, पागल है वो, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। क्या हुआ? आज पहली बार देख रहा हूं तुम्हें इतना हंसते हुए, इतना खुश।
ठीक कहते हो तुम। खुशी क्या चीज है, शायद भूल ही गई थी। आज एक बहुत अरसे के बाद फिर खुश हूं, और उसकी वजह तुम। नमस्ते। नमस्ते मैडम, ये फाइल चौहान साहब ने भिजवाई है और आपको साइन करने को कहा है। कैसी फाइल है ये? इसमें कुछ सड़क बनाने के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और एक होटल का फ्लोर बढ़ाने का रिकमेंडेशन है। ठीक है, रख दो यहाँ पर, पढ़कर साइन कर दूंगी। हाँ रखिए, बाद में आइए। देखो, मुझे विश्वास है कि तुम समाज के लिए हमेशा अच्छा काम करोगी, लेकिन मेरे हिसाब से राजनीति में अगर आपको एक अच्छा काम करना है तो चार गलत काम करने पड़ते हैं। हो सकता है कि गंदगी को साफ करते करते कुछ गंदी छींटें हमारे दामन पर भी पड़ जाएं, लेकिन इतनी कीमत तो हमें चुकानी पड़ेगी, है ना? कर दो साईं। यशवंत, मेरा एक काम करोगे? इंस्पेक्टर उद्धव पवार का ट्रांसफर रुकवा दो। क्यों? विवेक का केस तो उससे ले ही चुके हैं, तो ट्रांसफर की वजह से उसकी बीवी बच्चों को क्यों परेशानी दे? अनु, ये सिर्फ ट्रांसफर का सवाल। यशवंत, अभी अभी मैंने शायद चार गलत काम किए, उसके बदले सोचा एक अच्छा काम कर लो। प्लीज डोंट। ओके। सीएम साहब, हम लोगों ने गठबंधन में अपनी सरकार तो बना ली है, लेकिन एक बात बोलूं, हम लोगों को चौकस रहना पड़ेगा हर वक्त। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? कुलकर्णी साहब, आप तो जानते ही हैं कि इन ऑपोजिशन वालों का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मेरी पार्टी के सारे लोग हर हाल में आप ही को सपोर्ट करेंगे। क्यों मात्रे साहब? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। नमस्ते। एक बात समझ में नहीं आई यशवंत, अनुराग के लिए तुमने वो इंस्पेक्टर पवार का ट्रांसफर क्यों रुकवा दिया? आप तो जानते हैं बेग साहब, बहुत कम दिनों में अनुराधा की पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ गई है। आज की तारीख में 30 से 40 एमएलए हैं उसके पास। खैर, हमारे हाथ मिलाने का वक्त आ गया है यशवंत। मैंने कमाल पाशा और गोविंद मात्रे से बात चलाई है, इन दोनों के सभी एमएलए हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट्स भी राजी हो गए हैं। इन सब के साथ हम आराम से गठबंधन की सरकार बना सकते हैं। और चीफ मिनिस्टर की पोस्ट? पहले सबको तोड़ तो लें, उसके बाद वक्त आने पर बैठकर तय कर लेंगे। और महेंद्र चौहान? विवेक के बिना वो वैसे भी कुछ नहीं है, और उसकी बहू अनुराधा, अनु, वो तो वैसे भी तुम्हारी छत्र छाया में है ना? नहीं? भाई हरकत में ही बरकत है। आप मेरी छोड़िए और पूना की सुनाइए। पूना की क्या बताएं? दो हफ्तों से सेटिंग कर रहा था श्रद्धा जी की, साली हाथ ही नहीं आती थी, पर पिछले साल कैसे नासिक में दौड़ कर चली आई थी कमरे में। पिछले साल जब प्रचार के लिए नागपुर गए थे, याद है आरती जी के साथ भी हमारा कुछ ऐसा ही किस्सा था। पर त्यागी जी, तभी तो हम ताक में रहते कि कब प्रचार में जाने का मौका मिले।
बैठिए 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 ना। क्या रे त्यागी, क्या बोल रहा था तू? बहुत मजा आता है प्रचार पे जाने का। अरे बिस्तर में कितना बड़ा 30 मार खा है ना तू, ये सब किसे सुन चुकी हूं मैं तेरे। और मिश्रा, प्रचार पे जाने के मौके ढूंढते हैं आप। आपको पता है जब आप प्रचार पर होते हैं तो यहां आपकी औरत किसके साथ सोती है बताओ? आज के बाद तुम में से किसी ने इस पार्टी की कोई भी लड़की के लिए कुछ कहा ना तो ऐसा हश्र करूंगी कि मर्द होने का एहसास भूल जाओगे तुम लोग। चलो श्रद्धा, पवार। नमस्कार मैडम। आपसे जरूरी बात करनी थी मैडम। कहो। मैडम मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आज तक मैंने सभी नेताओं को पुलिस वालों की ट्रांसफर करवाते देखा है, लेकिन किसी भी नेता को पुलिस वालों की ट्रांसफर रुकवाते ना देखा है ना सुना है मैडम। जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। धन्यवाद मैडम, मैं आपको धन्यवाद देने आया था। मेरी कभी भी जरूरत हो, कोई भी काम हो, याद कीजिए। जय हिंद। अनुराधा जी। माँ जी, पार्टी ऑफिस से आ रही हूँ। जी, ऑफिस में काफी काम रहा होगा। जी वो कुछ फाइल्स और टेंडर काम कर रही थी या यशवंत के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी? घर की इज्जत बाजार में बेच के आई है ये? तभी मैं कहूँ इसके बाप ने इसकी माँ को छोड़ क्यों दिया, ऐसी हरकतें तो तुम लोगों के खून में। माँ जी चुप कर, एक तो अपना मुंह काला करके आई, ऊपर से जबान लड़ाती है। दिखा दिया तूने अपना असली कैरेक्टर, कितना बड़ा विश्वासघात किया तूने हमारे और विवेक के साथ, जो इतने दिनों से जेल में पड़ा है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने हमें। झुक गई उस कुत्ते यशवंत के सामने। ठीक कहा आपने कि मैं किसी के सामने झुकी, उसी इंसान के सामने। जब आप लोग मतलब के लिए झुकी तो ठीक था, अगर मैं अपनी ही खुशी के लिए झुकी हूँ तो आपकी इज्जत पे पड़ता गया। आज इस घर में कैरेक्टर और विश्वासघात की बातें हो रही है। अरे विश्वासघात तो मेरे साथ हुआ जब मैंने देखा कि शादी के बाद भी विवेक ने अपनी रखेलों को छोड़ा नहीं, चाहे वो घर में हो या जेल में। आज मेरे कैरेक्टर की वजह से आप लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। माँ जी, आप लोगों की दुआ से अब कुछ वक्त मुझे भी राजनीति में हो गया है। जिस दिन मुझे पता चला कि आपके पति यानी कि मेरे ससुर ने 10 साल से पूना में एक रखेल पाल रखी है, जिसके वो 3 अबॉर्शंस भी करा चुके हैं, उस दिन से मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। माँ जी, लगता है ऐसी हरकतें आपके खून में हैं, मेरे खून में नहीं। ताली उल्टा निकल ना। मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना। मैं सरकारी फ्लैट में जा रही हूं। शिरके। जी मैडम। जब तक मैं अपना सामान न ले आऊं यहीं खड़े रहना। जी। इन लोगों का भरोसा नहीं, पता चला किचन में ले जाकर जला दिया, और कल खबर ये छपी कि एक्सीडेंट था। अच्छी परिभाषा है आपके पतिव्रता की, मर चाहे लाख गुना करे उसे कोई सजा नहीं।
लेकिन औरत अपनी खुशी के लिए एक भी कदम उठाए तो उसे कुलता और कुलच्छनी कहा जाता है। वाह, यशवंत जिंदगी मानो एक बंद कमरे में बीत रही थी। आज बहुत अरसे के बाद ऐसे लग रहा है कि खुली हवा में सांस ले रही हूं। अनु, मुझे लगता है कि तुमने जो भी किया है ठीक किया है। मैं हमेशा मानता आया हूं कि इंसान को किसी के सहारे के बजाय खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। मैं और बेग मिलकर एक साझा सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या तुम मेरा साथ दोगी?